Hello everybody, welcome to the Foodie Traveller. And I don't do too many interviews, but I possibly could not pass off the opportunity to interview one of India's finest footballers, Bala Devi. So I'll see you in the video, and if you like the video, please do leave a thumbs up and subscribe to my channel. You probably know who Bala Devi is. She is one of the permanent fixtures in the international team, and she plays her football in Scotland with Rangers FC. First ever Indian to be playing in Rangers or in Europe. Hi Bala, nice to have you on my show. So before we begin, you know, I would like to ask you a very simple question, which is relevant not only for footballers, but for everybody in all the world. Yeah. Is how have you been coping in the times of COVID, you know, as a person and also as a footballer? Yeah, as a sports person, ke liye ek to mehnat karna bahut zaruri hai. Lekin out of country, staying alone thoda difficult tha. 5 months staying alone tha. So, phir bhi maine bahut mehnat kiya during the pandemic. Ki jada bhi mera fitness bhi badh gaya tha. To khali mera dimag mein ki mujhe आगे अच्छे से खेलना है और इंडिया का जितना भी लोग है इंस्पिरेशन करना है और मुझे पता कि लॉकडाउन के पहले जितना दिन मैंने ट्रेनिंग किया था उन लोग के साथ ट्रेनिंग कैसा होता है तो उस हिसाब से मैंने बहुत मेहनत करके पैंडेमिक के अंदर मैंने अपने आप को फिटनेस में जो आपको भी दिमाग में चल रहा था मतलब पैंडेमिक के अंदर यू वर नॉट एबल टू यू नो गो आउटसाइड और यू वर नॉट आई थिंक द पीपल इन दिस इन द यूके वर नॉट टू ट्रेन आउटसाइड यू नो व्हाट वाज योर फीलिंग बिकॉज़ यू नो यू जस्ट साइन फॉर रेंजर्स एंड यू नो बीइंग एबल टू गो इनटू अ डिफरेंट कंट्री एंड नॉट बीइंग एबल टू अडैप्ट बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक एंड यू नो लाइक नॉट प्ले एबल टू फुटबॉल बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड एक तो अच्छा नहीं लगा कि एक खेलने के लिए जा रहे हैं एकदम से वन एंड हाफ मंथ्स ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा मैचेस खेलने के बाद एकदम से रुक गया था तो अच्छा नहीं लग रहा खेल नहीं पा रहा लेकिन नॉट ओनली फॉर मी ओवरऑल जो वर्ल्ड में जितना भी प्लेयर बड़े बड़े हैं उन लोग को भी खेल नहीं पा रहा तो वही मेरा दिमाग में था और शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि घर वालों की बोले कि घर में रहो बाहर मत जाओ ऐसा थोड़ा मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ा और लेकिन वहाँ का लोग बहुत अच्छा से मेंटेन करती है गवर्नमेंट का गाइडलाइन SOP हाथ मतलब कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह तो बहुत अच्छा से वहाँ पे रहते हैं तो सेफ ही था वहाँ पे तो वहाँ पे आपका कोई सपोर्ट सिस्टम था क्या इंडियन कम्युनिटी से मतलब कोई आपको सपोर्ट किया पूरा टाइम पे हाँ तो मैं जब मैं वहाँ पे रहती थी कि थोड़ा टाइम मैं रूम पे थी उसके बाद धीरे धीरे मतलब वॉक वगैरह जाना किया रनिंग करना शुरू किया मैंने रोड रनिंग और मेरा घर के 2 मिनट के रास्ता में एक बहुत बड़ा पार्क है तो मैं उसमें ट्रेनिंग करती हूँ तो ट्रेनिंग करने के टाइम बहुत लोग वॉक करने के लिए आता है रनिंग करने के लिए आता है तो ऐसा धीरे धीरे जान पहचान हो गया था फिर वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी मिल गया और बहुत सारे फैमिलीज इंडियन फैमिलीज हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है लॉकडाउन घर पे बुला के खाना वाना हाँ खाना एकदम इंडियन इंडियन फूड और उधर एक रेस्टोरेंट है मिस्टर सिंह मेरे लिए खाना भेज देता है तो नहीं लगता है कि मैं बाहर कंट्री में रहूं क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिलता है दोस्त बन गया तो हाँ सब दोस्त बन गया है और रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट वो काफी अच्छा सा रेस्टोरेंट है और ग्रोसरी भी है इंडियन का और बहुत इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं In Scotland, you spend quite some amount of time. Like, what have you learned, you know, as a person and also as a footballer from you know the Scottish community and from the Scottish players? You know, like for example, you know, you probably had a lot of famous and big players playing with you at Rangers, and you also have you know like you know a lot of good people that you interacted with. So, if you had to you know give me 2 things which you learned, you know, something from the community and something from the players.
you know, what are these two things which you learned from Scotland, and, which is close to your heart? I learned so much from school and schoolies. जितना भी मैंने वहाँ पे पढ़ा हुआ था रहता था बहुत learn किया मैंने क्योंकि वहाँ पे जब इंडिया में होता है कि या 11 बजे में या जैसे टाइम फिक्स देता है ना कि 11 बजे में ट्रेनिंग होना है तो हम लोग सोचते हैं कि 11 बजे में क्यों कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो टाइम देता है उसमें रेडी होता है रेनिंग या ठंडा कोई भी ऐसा उन लोग नहीं रहता है और जितना भी सीनियर सिटीजन वहाँ पे जो मिला हुआ है मैंने खुद को देखा है उन लोग बारिश होने से भी अपने आप फिटनेस इवेंट बढ़ा के रहते हैं तो ये सबसे अच्छा चीज मुझे सीखने का मौका मिला है क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन एक है और मतलब बिना स्पोर्ट्स पर्सन इतना फिटनेस में रहे हम लोग क्यों नहीं रहे तो ये उन लोग से मैंने सीखा है और ऑफ द फिल्म मतलब जितना भी मेरा फ्रेंड जो रेंजर्स का जो मिला हुआ है उन लोग बहुत मस्ती करता है फन करता है लेकिन जब गेम इंटर करते हैं ना बहुत सीरियसली से काम करते हैं और जान लगा के काम करते हैं तो वही चीज मैंने उन लोग से प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है मतलब फन के टाइम फाइन है फन है और गेम के टाइम पूरा जान लगा के खेलता है और जब गेम खत्म हुआ गेम के पहले फन में रहता है तो वो सबसे जरूरी है कि हमारा एक प्लेयर में होना चाहिए एक खुशी से खेलना जरूरी है यू हैव टू एंजॉय द थिंग दैट यू डू इट राइट सो इन दिस सेंस आई मीन when talking about the community, like I was in Rangers when I was traveling to watch football in the UK. Mm-hmm. And obviously like, that is a part of my, you know, my hobby to watch football around the world. And so one of my friends, Arnold Kishko, he arranged for tickets for me to go and watch Rangers play. And I think Rangers was playing one of their games in the Carling Cup, which is, you know, like the second cup of the country. Mm-hmm. And I remember whenever I go, I carry my India flag. I was getting stares from all these people in the director's box, and which was sort of, you know, like making me really scared. I didn't understand why. Mm-hmm. So, and then suddenly, like after the match was over, so I asked somebody to take a photo for me, mm-hmm. and I asked him, like, can you take a photo for me with the flag? And the flag was refused. Okay, and then I realized that okay, they probably thought that this is. With the Irish flag, and then I told them, no, this is not the Irish flag, this is the India flag. So that brings me to the biggest derby in the world, one of the biggest derbies in the world, which is Rangers versus Celtic. And obviously, Celtic has got a lot of Irish connections. That gives me, you know, like a question which I won't really ask you, is that because a lot of Indian fans, they want to know, what is it like during a derby, and what have you seen and experienced, you know, about Rangers fans or Rangers players who speak about the derby? Or, you know, like even Celtic players or Celtic fans, if you have any friends who support Celtic over there, you know, what have you seen and what have you learned? You know, like something interesting, something fun, whatever it is, comes in mind. Wahan ka the fans both support karte hai team ko. So, Rangers versus Celtics, derby jab match hota hai, match mein, to hum us time to dekh nahi paya kyunki lockdown tha aur fans bhi allowed nahi tha, hum TV mein dekhte the. To uske saath-saath jab maine बाहर ऐसा ट्रेनिंग के लिए और पार्क वगैरह जाता है और कोई प्लेयर मतलब छोटा छोटा बच्चा मुझे मिला हुआ है इंडियन प्लेयर छोटा बच्चा भी है और वहाँ का स्कॉटिश प्लेयर सेल्टिक्स का फ्रेंड्स है रेंजर्स का फ्रेंड्स है हम लोग एक साथ खेलते हैं कोई ऐसा लड़ाई वगैरह और ऐसा कुछ है नहीं है उन लोग जब मैच के दिन में उन लोग खाली सपोर्ट करते हैं उसके बाद सब फैंस रहते हैं फैमिली में रहते हैं मतलब हम लोग का जैसे इस प्रोग्राम में होगा मैच के दिन में सब पागल हो जाता है उसके बाद मैच जब मैच खत्म हो जाता है ऑफिस में जाना है एक साथ खाना खाना है एक साथ कुछ एक साथ हो गया हां जी ऐसे ही यू नो आई वुड लाइक टू कम बैक टू इंडिया वेयर यू स्टार्टेड योर फुटबॉलिंग करियर एंड वेयर एवरीथिंग बिगन एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मणिपुर यू नो ऑफ कोर्स लाइक यू आर फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंट्री व्हिच प्रोड्यूसेस सो मेनी फैंटास्टिक फुटबॉलर्स ओवर द इयर्स एंड So I would like to know, like, what is there in Manipur? What makes it, you know, like, so conducive for both men and women to come out as, you know, fantastic footballers from the state? Mm-hmm. So Manipur mein aisa hota hai ki har ghar pe koi bhi discipline ya football, hockey, jo bhi division ya football, matlab
डिसिप्लिन सब कुछ हर घर पे मिल जाएगा आपको. तो ऐसा हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि हर घर से खेलना और पसंद करती है, मोस्ट ऑफ पीपल गेम में रेडी करती है. तो ऐसा हमारा बचपन से ऐसा आ गया था कि बाहर खेलो, सबके साथ मिलो, ऐसा ही था. एक चीज़ अच्छा है कि जितना भी मणिपुर का लोग घर वाला फैमिली है, कोई ढंग से मतलब फोर्स नहीं करते कि शादी करो, ये करो, ये करो, कुछ भी नहीं करते. जो जिसका मन करता है वही काम करते हैं. तो इसलिए हमारा जो मणिपुर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर नहीं करते क्योंकि उसको उन लोगों को वो मोटिवेशन मिलता है. मतलब मेरा पीछे मतलब कोई टेंशन नहीं है शादी करने का, नौकरी करने का, ये करने का, वो करने का, जो मन चाहे आई कैन फोकस ऑन दैट एंड यू नो पर्सनल ड्रीम चाहे. सो आई मीन व्हिच इज फैंटास्टिक बिकॉज़ यू नो लाइक यू नो द फर्स्ट थिंग दैट यू टेंस कंप्लेन अबाउट इज मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है. लेकिन मणिपुर में वो दिक्कत नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है. जो मन में चाहता है, जो जिसको करना है वो करने देता है घर वाले, वही सबसे अच्छा है. और शादी वगैरह कोई फोर्स नहीं करता है. कि मैंने सुना है कि मेरा भी दोस्त लोग घर वालों ने शादी करने के लिए बोला है मणिपुर के अलावा से. तो मेरा घर वालों शादी करने के लिए बोल रहा है, मेरा एज हो गया है, मुझे शादी करना है, ऐसा लोग बहुत फोर्स में रहता है. लेकिन हमारा मणिपुर में ऐसा कुछ फोर्स वगैरह नहीं. How big is women's football in Manipur? You know, like, what are the opportunities that are provided to women to pursue football as a career? Because, you know, as bad as it sounds, women's football is nowhere in India. You know, and which is really unfortunate and which is really not nice. Mm-hmm. But our job as football fans or football players is to take it to a position where it is something to reckon with. Because I honestly feel that before the men's team qualifies for the World Cup, mm-hmm. there's probability is much higher that the women's team will qualify for the World Cup, mm-hmm. right? And for us, it doesn't matter whether the men's team qualifies or the women's team qualifies, as long as India qualifies for the World Cup, right? So, what does in Manipur, what are the facilities which women enjoy compared to the rest of India when it comes to support? ऐसा facility तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा इन मणिपुर में सबसे अच्छा है कि senior team में 6-7-6 maximum 5-6 club है. तो उनसे 20-30 player आता है 6 club, senior में 30-30 ऐसा आ जाता है. उसके plus junior player भी होते हैं. तो हम लोग डे मतलब इंक्रीज मतलब प्लेयर को छोटे से लेके बड़े तक हम लोग बना 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 के रखते हैं. तो ऐसा दूसरा स्टेट में भी ऐसा होगा तो हमारा इंडिया में बहुत काफ़ी अच्छा होगा. क्योंकि मणिपुर में स्टेट लीग होता है, बहुत सारे होता है. बाहर में भी अभी मैंने सुना है बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है. फिर भी हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना है तो थोड़ा ध्यान में रहना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है हम लोग आगे के लिए और बाहर का कंट्री क्या कर रही है. जल्द से जल्द हम लोग अडॉप्ट करेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं. You mentioned that the adoption mm-hmm. of the knowledge and information from the rest of the world and bring it to India. We get the AIFF Cup, we get so and so the Women's World Cup, the Under-17 World Cup, and all of these big tournaments which come to India. Mm-hmm. But still, that really does not translate into something which is, because for example, we won't be having women's league this year. Mm-hmm. Okay. So all of these things which don't translate at the grassroots level. So mm-hmm. What do you think is lacking? I'm not going to talk about Indian football men's because a lot of people talk about it, but women's football. What do you think is lacking at the grassroots and what needs to be done right now? So, सबसे पहले तो हम लोग grassroots से अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा. जो भी बच्चा है, जो भी स्टेट है, जितना भी हमारा इंडिया में स्टेट है, ग्रासरूट से अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा कि बाहर में जो भी कर रहे हैं उसको भी थोड़ा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. जल्द से जल्द हम लोग करना चाहिए. अभी कर रहे हैं मतलब ग्रासरूट लेवल में कर रहे हैं, हर स्टेट में थोड़ा स्टार्टिंग हो गया है. फिर भी हम लोग उसी चीज को लेके और जो ग्रासरूट के बाद क्या होना चाहिए हमारे इंडिया में. जब ग्रासरूट एक महीने के लिए, दो महीने के लिए स्टार्टिंग करेगा, उसके बाद ख़त्म, तो ये नहीं होना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप ग्रासरूट के बाद क्या होना चाहिए और स्कूल में गेम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में गेम होना चाहिए और क्लब वाइज खेलना चाहिए. और क्लब में हम लोग
IWL, even IWL हम लोग खेले एक महीने के खेले तो बाहर वहाँ क्या कर रहे पूरा होल या उन लोग मैचेस खेलता है और एवरी वीक उन लोग मैच या फ्रेंडली मैच उन लोग खेलते रहते हैं तो डेवलपमेंट वही से स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होता है एक महीना गेम करेगा एक महीना मैच खेलेगा कम से कम हम लोग छः महीना मैच खेलेगा उसके बाद खत्म और जिसको अपना फिटनेस में रहते हैं वो सही है जो जिसको गिव अप करते हैं उनको तो खत्म हो गया जिसका जर्नी तो ये चीज नहीं होना चाहिए एक प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना है तो किस तरीका का हम लोग फॉलो करना है क्या काम करना है ये समझदारी बहुत जरूरी है हम लोगों को मतलब कोई सस्टेन्ड लीग होना चाहिए मतलब क्योंकि एक ब्रेक हो जाता है तो आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है फिर पता नहीं चलता है मतलब नेक्स्ट कब खेलेगा ऐसे मतलब इससे लॉट ऑफ पीपल यू सेइंग ड्रॉप आउट फ्रॉम द गेम राइट बट ऑफ कोर्स लाइक वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया हैज यू नो चेंज आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट चेंज एट ऑल बट इट्स चेंज इवन दो एट अ स्लोअर पेस इवन दो सर्टेन थिंग्स आर चेंजिंग स्लोली 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 that brings me to the question which you know like I think most Indian football fans want to know you know how do you think that the AFC Asian Cup for women in 2022 and even the under 17 World Cup in 2022 is going to you know change the landscape for women's football in India what is it going to do in terms of professionalism how is it going to change you know the number of people who are going to adopt the sport the children because I know that you mentioned that you know that football has seep through back to the universities to the schools women's football to be able to motivate young women to take up the sport right so you know what how do you think this will help like as a push for that to manifest अभी तो फिलहाल के लिए कोरोना की वजह से थोड़ा मतलब पता नहीं है एक जगह प्लान क्या है हमारा फेडरेशन की तरफ से बट हमें अभी शुरू होना चाहिए क्योंकि अभी यूरो में बहुत सारे अभी आप लोग ने देखा होगा यूरो में कितना फैंस वहाँ का गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया है कोविड के टाइम में फैंस को क्यों अलाउ किया है क्योंकि उन लोग अच्छी तरह से पता है और फॉलो भी करते हैं तो उन लोग गेम खेल रहे हैं हम लोग क्यों गेम नहीं खेलेंगे तो हम लोग थोड़ा यहाँ का हमारा जो पीपल है थोड़ा समझदारी होना चाहिए एसओपी करके और जितना प्लेयर को भी खिलाना चाहिए स्टार्टिंग होना चाहिए और इवन अभी से स्टार्ट होगा तो हम लोग अंडर 17 वर्ल्ड कप और AFC जो खेलने वाला उनको भी मौका मिलेगा अपना फिटनेस ले से लेके और टीम के साथ इम्प्रूव हो सकता है सो लास्ट टाइम अंडर 17 जो प्लेयर उन्होंने स्वीडन के साथ खेला उन्होंने ड्रो भी किया था हमारा एक दिमाग में क्या है स्वीडन नाम को करके हम लोग डर जाते हैं लेकिन अंडर 17 प्लेयर ने हमारा देश में आके मैच खेला है ड्रो भी किया है थाईलैंड के साथ खेला उन्होंने तो हम लोग इतना कम नहीं है लेकिन हम लोग सपोर्ट चाहिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और हमें चाहिए फ्रेंडली मैच कॉन्फिडेंस लाने के लिए फ्रेंडली मैच ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली मैच करना चाहिए वही होगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं तो थाईलैंड एक अच्छा मॉडल है मतलब थाईलैंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया इट मेड द थाई पीपल सो प्राउड दैट यू नो दे क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप सो यू थिंक दैट इंडिया समडे कैन यू नो लाइक repeat what Thailand did because you know Thailand also the national team for men's they are at par with India or maybe even not as good as India. 2019 में हम लोग senior में Thailand के साथ match कर रहे थे उसमें one draw थे हमने पहले score किया था उसके बाद उन्होंने score किया था one draw है तो हम लोग one draw मतलब इतना हम लोग कम नहीं है अभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा रैंकिंग उधर है उनका रैंकिंग उधर है रैंकिंग से भी नहीं होता है हम लोग को कॉन्फिडेंस लाना है गेम में कॉन्फिडेंस लाना है फील्ड पे क्या करना है वो सबसे जानना बहुत जरूरी है एक प्लेयर में क्या सोचना है फील्ड के अंदर में क्या करना है ये सबसे जरूरी है जो सीखने वाला जो बताने वाला वो भी सबसे जरूरी है और प्लेयर के साथ उस कोच के साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहिए With people like you taking the Indian football team forward, we're really hopeful that you know, like, hum to sochte hai, matlab main zinda, by the time I'm dead, I won't be able to see India at a World Cup. But with the women's team, there's a high chance that I might be able to see a World Cup in the next, 5 to 10 years. So hopefully, you know, like, you know, that dream of mine and 1.3 billion other Indian people will come true.
and really thankful for you for coming on the show. And from us, you know, I've been into the fan movement for a long time, part of Blue Pilgrims. So we can assure you that, you know, whatever support we give for the men's national team, there's not going to be any, you know, inch which is going to be lesser for the women's national team. Mm-hmm. So if, when India is going to play in the Asian Cup 2022 for women's, every member who's a part of Blue Pilgrims is going to be there to support each and every member from the Indian national team who's going to represent the country. Mm-hmm. And whatever we do, same chant, you know, drums, tifo, whatever will be done, we'll be there. And, you know, we want you to progress and become the best in best in Asia and the best in the world. Mm-hmm. Okay? So thank you so much for joining me. It was a pleasure to meet you. Yeah. And hopefully we can catch up somewhere too. Okay, thank you so much, everybody, for tuning into the show. We've got a small gift for Bala from Blue Pilgrims. We got a scarf, which was the first ever Blue Pilgrims scarf, which was made in 2019 for the Asian Cup. And I would like to give it to her as a mark of, you know, gratitude and respect for her to be playing for the international team and representing us on the world stage. So this is the scarf, Paula. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. This has got Blue Pilgrims on one side and the fist, the logo, and which has got the India and all the big Indian monuments on the other side. So I hope you like it. Yeah. You enjoy it. Yes. And for you, I have something special. Okay. Oh, thank you so much for this. This is the Rangers jersey. Yeah. Okay, thank you so much. Mm-hmm. That is super. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. Thank you so much for the show. Thank you for watching the video. I hope you guys enjoyed it. And this was my first interview on camera as a host with a footballer. I hope to do many more interviews. But this video in particular has been brought to you by in collaboration with Best of You, which is a sports management company based out of the world, to be honest, but they have an office also in Calcutta, and it's run by a very good friend of mine, a friend which, you know, I know from a very, very, very long time, and he's one of the pioneers of footballing professionalism, if I can say, in Indian football, you know, especially to do with players and player contracts and stuff like that. Anuj is a long timer in Indian football. He's been through a lot of ups and downs and everything, and seen Indian football and taken Indian football to a different level when it comes to professionalism. Over the years, he's seen to it that most Indian players that come out of the Indian football system get proper representation when it comes to player contracts and any other sort of help that is required for them to be successful on the pitch as players. Again, if you like the video, please leave a thumbs up and support me by subscribing to this channel. Thank you.